उपाध्यक्ष जी, आज मेंटल हेल्थ बिल 2013 पर बहुत गहन चर्चा हुई है। लगभग 16 वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और कंसर्न भी शो किया है। साथ ही साथ सभी ने मेंटल हेल्थ बिल 2013 को अपना समर्थन भी देने का बात कही है और साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स उन्होंने रखे हैं। मैं सबके सहयोग के लिए सबका धन्यवाद देता हूं। बहुत वैल्यूबल सजेशंस आए हैं, मेनी वैल्यूबल सजेशंस हैव कम। जहां तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होती है मेंटल हेल्थ के विषय को लेकर के। जब कभी कोई किसी इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती है तो वह इंडिविजुअल प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं होती, उसकी फैमिली की होती है और उसके सोसाइटी के दृष्टि से और सोशल एंगल से भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सिर्फ इसको एक मेंटल हेल्थ के ही दृष्टि से देखना ये आवश्यक नहीं है, उसमें बहुत से सेफगार्ड्स की ज़रूरत है जो उसको एक राइटफुल तरीके से इलाज करने में मदद हो सके और उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% पीपल सफ़र फ्रॉम सम टाइप ऑफ मेंटल इलनेस और एक्यूट मेंटल इलनेस 1 to 2% है। ये जो बिल आया है ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है और मैं ये समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ केयर में एक बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला ये बिल साबित होगा। ऐसा ये एक्ट बन करके जब तैयार होगा तो ये बहुत दूरगामी प्रभाव इसके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक 1987 के एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट का सवाल है, उसमें ज़्यादातर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया गया था, किस तरीके से इसका रेगुलेशन होगा, किस तरीके से मेंटल हेल्थ की दृष्टि से हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान था। ये जो 2013 का मेंटल हेल्थ बिल है, यह बिल पेशेंट सेंट्रिक है और पेशेंट को किस तरीके से सुविधा दी जा सकती है इस पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है। उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, कोई पेशेंट आज नहीं है कल हो सकता है, उसको कैसे वो डील कर सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक लंबे कंसल्टेशन के बाद दी स्टोरी स्टार्टेड इन 2010 उस समय की सरकार ने यह तय किया कि मेंटल हेल्थ बिल को लाना चाहिए। उसके लिए नेशनल कंसल्टेशन किया गया, फिर जोनल कंसल्टेशन किया गया, फिर जोनल कंसल्टेशन के बाद फिर एकेडमिया के साथ कंसल्टेशन किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसल्ट किया गया, स्टैंडिंग कमिटी में गया, पिछली कैबिनेट से भी पास हुआ था और बाद में फिर वर्तमान कैबिनेट के साथ भी उसके चर्चा होने के बाद, उस पर बहुत से डेलीब्रेशंस होने के बाद, केयर गिवर्स के साथ चर्चा हुई, सर्विस यूजर्स के साथ चर्चा हुई, सभी सेक्शंस के साथ चर्चा होने के बाद यह एक बिल के रूप में हम सबके बीच में आया है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन अप्रोच रखता है। इट टॉक्स अबाउट दी केयर गिवर्स कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसमें इंस्टीट्यूशनल एडमिशन को डिस्करेज करते हुए कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया है। ताकि एक समय, जैसा कि आप सब लोगों ने कंसर्न शो किया कि लोगों को एक बार डाल देते थे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और फिर उसके बाद देखने भी नहीं जाते थे और एक तरीके से अबैंडन कर देते थे, इसमें कोशिश की गई है कि इंस्टीट्यूशन में रहने का रीज़न होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन में रहे और रहने की समय अवधि भी होगी और साथ ही साथ उसको कम्युनिटी बेस्ड कैसे रखा जा सके, इसकी इसमें चिंता की गई है। और ट्रीटमेंट भी जो है उसका लेवल जो है वो नीड बेस्ड है, यानी कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए आवश्यक है, इस पर भी जोर दिया गया है। विमेन और चिल्ड्रन के लिए विशेष करके इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। जैसा कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो इलेक्ट्रोकंसल्टिव ट्रीटमेंट जो है उसको देने के लिए उसमें मनाही की गई है और अगर जिसको देना है उसको रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट दे करके और उसको एनेस्थीशिया दे करके करने का, इस तरीके के प्रोविजन किए गए हैं। महिलाओं को जो बच्चों के साथ हैं उनको बच्चों से अलग न किया जाए, अंडर ओनली मेडिकल सर्कमस्टांसेस एडवाइस पर ही किया जाए, इस तरह की व्यवस्था भी की गई है।
उनकी हाइजीन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विशेष करके ध्यान दिया गया है। और इसके लिए मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया गया है, और स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ लाइक सेंट्रल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, सेंट्रल हेल्थ अथॉरिटी, इसको भी बनाया गया है। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये बिल बनाया गया है। जो इसके बहुत यूनिक फीचर्स हैं उसमें से सबसे पहला तो है एडवांस डायरेक्टिव। आज हम सब लोग ठीक हैं, लेकिन एट दिस स्टेज ऑल्सो वी ऑल ऑफ अस कैन गिव अवर एडवांस डायरेक्टिव कि यदि मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो मुझे किस तरीके से, कौन कब कैसे देखेगा, यानी अपने बारे में सिक्योरिटी लेने के लिए कि हमारी ट्रीटमेंट कैसी हो सकती है, ये एडवांस डायरेक्टिव की इसमें व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की भी व्यवस्था की गई है, ताकि नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस व्यक्ति के कल्चरल बैकग्राउंड को, उसके टेस्ट को, उसके हैबिट्स को, उसके इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से जाने, ताकि जब वो उस अवस्था में होता है तो उसकी देखभाल कर सके, उसकी प्रायोरिटीज़ को जाने, उसकी उसकी इंक्लिनेशंस को जाने, ये सारी चीज़ों को भी उसमें जोड़ा गया है। मेंटली इल पर्संस के राइट्स को सेफगार्ड किया गया है, राइट टू एक्सेस टू मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, और आने वाले समय में राइट टू मेंटल हेल्थ का जो विषय है जिसको हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और NHM के तरह डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये लाभकारी होगा। राइट टू कम्युनिटी लिविंग, एक स्टिग्मा बन जाता है कम्युनिटी में नहीं रखना, जिसको कह रहे थे ना, जिसके बारे में रेणुका चौधरी जी ने भी कहा कि इंटीग्रेट करना है, उसको सेपरेट नहीं करना है, तो वो सेपरेट नहीं करना है, उसको राइट टू कम्युनिटी लिविंग उसको परमिट करने की आवश्यकता है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, हम सब जानते हैं कि क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है, तो उससे बचने के लिए भी लीगल फैसिलिटेट करना और उसको कानून बनाना। राइट टू इक्वालिटी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, इस तरीके के तमाम प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत मेंटली इल पर्सन को हम एक तरीके से उसको हम एम्पावर कर सकेंगे और वो अपने उन नियम, उन रूल्स के तहत उसको हम उसके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड कर सकेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ रोल ऑफ केयर गिवर्स, ये केयर गिवर्स के भी रोल को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, हु विल बी अ केयर गिवर, what type of facility he is going to do, how he is going to take care of the person, और caregivers की भी role को हम central mental health authority में और state mental health authority में representation दे करके भी करेंगे, यानी जो हमारा जो statutory provision होगा उसमें भी caregivers के role को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है, इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है। mental illness को define किया गया है, हम सब जानते हैं कि बहुत से लोगों को इंस्टीट्यूशंस में डाल दिया जाता था कि ये थोड़ा सा इसका ये तबीयत इसकी ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और उसको हम लोग इंस्टीट्यूशंस में सालों साल रखते थे। तो इसको रोकने के लिए मेंटल इलनेस को हम लोगों ने डिफाइन किया है, मेंटल हेल्थ केयर क्या होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसको भी तय किया है, डिटरमिन कैसे किया जाएगा कि ए पर्सन इज मेंटली इल और नॉट, इसको भी हम लोगों ने डिफाइन किया है, उसके ट्रीटमेंट के क्या क्या चीज़ें होंगी उसको भी हम लोगों ने डिफाइन किया गया है। इस तरीके से इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की है, ताकि हम मेंटल इलनेस को डिफाइन करें, मेंटल इलनेस को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा उसको भी हम डिफाइन करें, और उसके ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोसीजर उसको भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। इसी तरीके से ड्यूटी टू प्लान द डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे ये भी हम लोगों ने स्टेट की अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने इसके बारे में भी प्रोविजन दिए हैं, ताकि उसको हम उस तरीके से जोड़ सकें। मोर चेक्स ऑन इनवॉलंटरी एडमिशंस, हम लोगों ने चेक्स लगाने की कोशिश की है, ताकि जो ये एडमिशंस हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 दिन तक किसी को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रख सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम 90 डेज तक रख सकते हैं, और वह भी अंडर दी स्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ दी साइकेट्रिस्ट,
उसके बगैर हम उसको नहीं रख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी लिविंग कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी उसमें हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है कि उसको कम्युनिटी लिविंग के दृष्टि से व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज द स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड, होम्स, हाफ होम्स, उसको कम्युनिटी शेयरिंग कैसे की जा सकती है, इन सब तरीके की व्यवस्था करने की उसमें प्रोविजन किया गया है। आने वाले समय में इसको इन ड्यू कोर्स हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट एंड इम्प्लीमेंट, इसका स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को एक बहुत बड़ा एक मैंडेट दिया गया है कि वो इस दृष्टि से इसमें काम करेंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में जैसा मैंने बताया कि उसको रोकने के लिए बच्चों पर प्रयोग नहीं होगा, और अगर एडल्ट्स पर प्रयोग होगा तो वो एनेस्थीसिया दे करके और मसल रिलैक्सेशन वाले मेडिसिन देने के बाद ही किया जा सकेगा, इस तरीके का किया गया है। एक साइको सर्जरी पर बहुत जोर था तो साइको सर्जरी को रोका गया है। साइको सर्जरी के लिए कोई रीजंस होने चाहिए और वो अप्रूव्ड होना चाहिए, उसी के बगैर इसको नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव होने के बाद ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि इस मेंटल हेल्थ बिल को हम मीनिंगफुल बना सकें। जहाँ तक ये बात कही गई कि इसमें 135 अमेंडमेंट्स आए हैं, अब इसमें एक रीज़न है, रीज़न ये है कि हम लोगों ने इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट स्टार्टेड इन 2010, 2013 में पिछली सरकार लेकर के आई थी, 2014 में फिर ये हमारे समय फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, क्योंकि सरकार बदल गई थी, फिर से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा राज्यसभा में। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गए, स्टैंडिंग कमेटी ने 25 अमेंडमेंट्स दी, उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी बनाई, उसके भी रिकमेंडेशंस आए, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस थी उसकी आई, फिर सिविल सोसाइटीज़ की आई, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 25 स्टैंडिंग कमेटी के वो अमेंडमेंट्स आई। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 4 अमेंडमेंट्स आई, उसी तरीके से कर्नाटका हाई कोर्ट की 1, और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में 5 आई, और एक्सपर्ट्स ने 13 आई। तो सब्सटैंटिव जो अमेंडमेंट्स हैं इट इज़ 48 सब्सटैंटिव विच वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड ऑल स्टैंडिंग कमिटीज रिकमेंडेशंस, और उसी तरीके से हमने बाकी भी जो रिकमेंडेशंस आई उसको माना है, और बाकी जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल है। जो जैसे अब कहीं पर हमने साइकैट्रिस्ट को मेंटल हेल्थ ऑफिसर, मेंटल हेल्थ वर्कर कहा, तो वो जहाँ जहाँ वो वर्ड है वहाँ वहाँ वो अमेंडमेंट आएगा। उसी तरीके से टर्मिनोलॉजी में हमने जहाँ जहाँ यूज़ किया है उस तरीके से ये, तो इस तरीके से ये 135 बनते हैं, उतने हैं नहीं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक ये कहा गया कि कोई अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, हम लोगों ने निमहांस को कहा है और June 1st को 2015 में ये सर्वे स्टार्ट हो गया है अबाउट the finding of the mentally ill persons, और ये इसके 6 zones बने हैं। निमांस इस पर बहुत exhaustively काम कर रहा है, तो इस दृष्टि से ये आगे चल करके इसमें भी हमको प्रगति इसमें मिलेगी। जहाँ तक मैं बोल लेता हूँ, फिर जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू सी टू इट। यू विल बी हैप्पी टू नोट कि हमने इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए साइकेट्री में 1:1 का रेशियो था, उसको हमने 1:3 रेशियो कर दिया। अब जहां 500 डॉक्टर निकलते थे वहां 1500 डॉक्टर निकलेंगे। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी एक सीट दे दी है कि वो भी पीजी करा सकता है, तो एसोसिएट प्रोफेसर को दे दी है। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स एनहांस करें ताकि इसमें हम इसके दृष्टि से हम काम कर सके और इसको हम आगे बढ़ा सके। जहाँ तक मेंटल डेफिनेशन का सवाल है, वो अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स किया गया है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसको अपने उसमें इंटीग्रेट किया है। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद ये बड़ा प्रोग्रेसिव बिल आया है। मुझे लगता है कि इससे पेशेंट को जो आज नहीं भी है वह भी अपने बारे में डायरेक्शन दे सकता है, और जो पेशेंट है उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का स्टेट के पास पावर आती है, उस इंडिविजुअल को वो राइट मिलता है। ताकि हम जो सुनते थे और जो देखते थे कि
मेंटली इल पर्सन की चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो आज okay. उसकी चिंता हो सकेगी इस बिल के एक्ट बनने के पश्चात. ओके, थैंक यू, थैंक यू. नो, व्हाट इज दिस? ओके मिस, ओनली वन क्वेश्चन मिस्त्री. सर मेरा सिर्फ इतना क्लेरिफिकेशन है, सरकार के रोल के पहले एक दूसरा रोल है, सरकार का रोल बाद में आता है. 18 से 40 साल की पॉपुलेशन जो इसमें ज़्यादा अफेक्टेड है वो कॉलेज स्कूल और इन सब के अंदर पढ़ती है. इनके जो सिम्टम्स है जैसे कांच के सामने बहुत लंबे अरसे तक खड़े रहना और बाल बनाना, जैसे गंदा रहना, नहीं जाना, ये सब सिस्टम उसका और फैमिली के दोनों के बीच में पता नहीं चलता, फैमिली को भी पता नहीं चलता कि वाकई के अंदर ये है. तो आप ऐसी अवेयरनेस वगैरह कॉलेज और स्कूल और फैमिली में जागरूक करने का कोई प्रयत्न करोगे? ऐसा okay. मेरा उनसे है. रंगराजन, रंगराजन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हम वी आर डूइंग दैट अवेयरनेस प्रोग्राम. No, you reply only in then. Sir, 2-3 are there. Rangarajan. Through Deputy Chairman. Rangarajan. Section 133 is empowers the state authority. Can you prescribe any time? Suppose a state authority did not implement this in a prescribed time. Can you add that, any prescribed time? 6 months or 7 months or 1 year or 3 months? Okay, Sri Gowda. Gowda. Sri Gowda. Government is actually backing this bill. See the poor turnout on the side of the Treasury benches. We have lots of Rajya Sabha members, heavyweight cabinet ministers who have not shown up, and we are about to pass this bill. Why is there no support? That is no clarification. Subaram Reddy. Sir. You spoke. You know, I welcome the bill. One important question I want to bring to your notice. There are cases where even a good person, mentally, no insane, nothing perfect, family members mischievously, internal disputes, they'll take the patient and show as if he's a patient. Then they join hands with the hospital head also. So I want to know, you must give warning to hospital in charge people if they join hands and is found okay. proof that they've intentionally taken a good person and stand them as a actually. No, if it is on, what if it is on amendment, sir, you say at that time. Okay. Accomplished. What action? You are planning to take, you must give warning to doctors okay. that they can't join hands with the bad people okay. to bring a good person showing as okay. a decent people. Okay. If it is on amendment at that time. No, there are Ramesh. Okay, that's all. Sit down, sit down. That is irrelevant. Mandriji, reply karam. No, that's enough. Section 133 it is up to the state to decide how long they are going to take, but we want that they should be done as fast as possible.